देखो ना कितना अनसेफ है ये जगह गुवाहाटी। इंजन के पीछे हमारा बोगी है, ये जो बोगी है मैं सोचा था बाकी भाई भैया लोग बैठ रहे हैं। गुड आफ्टरनून, स्वागत करता हूँ नया सा ब्लॉग पे। और आज आपका टाइम है अभी 1 o'clock, डेट है आज का 7 अक्टूबर। सो आज फाइनली निकल पाया हूँ। जैसे मैं गुवाहाटी पे था भांगाघर एक जगह, उधर पे इधर से निकल रहा हूँ चेन्नई की तरफ। सीधा जाएंगे, फर्स्ट स्टेट पकड़ेंगे तमिलनाडु, तो इसके कारण ये जो हुआ ना मेरे साथ, अभी फ़ोन गिर गया था तो एक्चुअली ये फ़ोन चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे करके स्कूटी से आया तो इसको खींच के ले जाने की कोशिश किया। खतरनाक लेवल का, कितना सावधानी से मीन्स ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। देखो ना ये सब चीज अलग स्टेप पे होगा तो क्या सीन होगा। हालांकि इधर पे अभी ले नहीं पाया, लेकिन ले भी जाता तो मैं क्या कर पाता। स्कूटी तो नोट डाउन कर नहीं सकते, आगे से गली था सीधा ऐसे घुस जाता है, तो इसके कारण मेरा बैग है तो मैं पीछा भी नहीं कर पाऊँगा। मीन्स कुछ मैं सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, मीन्स क्या हो गया क्या, अब ऐसे ही क्या हो गया ऐसे करके चला मैं सोचते रहोगे। और अभी मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं नहीं बोलने का सोचता था लेकिन अभी बोल ही देते हैं। आसाम एक्चुअली आता है टॉप 5 स्टेट में जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, चोरी डकैती रेप ये सब। तो क्राइम ज़्यादा होने वाला स्टेट के मामले में 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर में टॉप 5 में आता है हमारा आसाम। एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हो। बाकी उसका तो चेहरा इतना अच्छे से नहीं है, हेलमेट वेलमेट पहन के रखा था। तो अभी चलते हैं, देखो ना कितना अनसेफ है ये जगह गुवाहाटी। आप ऐसे ब्लॉगिंग करके चल रहे हो या फ़ोन करके चल रहे हो तो फ़ोन को खींच के ले जाने की कोशिश करता है। और बाकी आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देता हूँ, जब भी आप बात बात कीजिए ना इस वाले कान पे ऐसे मत लीजिए, लेफ्ट हैंड से पकड़िए और लेफ्ट हैंड से ही आप बातें कीजिए या वीडियो कीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड इस टाइप होता है ना, तो रास्ते से जब इस तरफ से जाता है तो आसानी होती है, इस हाथ पर रहता है तो आसानी होता है, लेकिन इस वाले हाथ पर रहेगा तो ले नहीं जा पाएगा। तो इस वाले हाथ से बना रहा था इसके लिए बचा, नहीं तो मीन्स ख़त्म। आज तो पूरा मूड ही ख़राब हो रहा था। ऐसे तो निकला है नया ट्रिप के लिए चेन्नई, लेकिन ऐसे अभी फ़ोन लेके जाता तो मैं तो ख़त्म हूँ। हालांकि कुछ बुरा नहीं हुआ, चलो उनका उसका कर्मा उसको खुद से मिलेगा, कोई बात नहीं, कर्मा तो मिलेगा। चलो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, टाइम अभी 1:30 हो गए हैं तो कुछ खा के निकलता हूँ। तो इस वाले पे ही खा लिया था मैंने, रोटी वोटी खा लिया है थोड़ा, तो बाकी अभी चलते हैं। आप लोग भी सतर्क रहिए, हालांकि ये मेरे लिए एक वार्निंग जैसा हो गया है, साउथ वाला ट्रिप जा रहे हैं तो ट्रेन में जैसे सतर्क रहना, केयरफुल रहना, ये इंगित देने का कोशिश कर रहे हैं। एक होता है ना नेचुरल पावर, इसने मेरे को मैं पहले ही बता दिया है कि केयरफुल होके जाना, और वही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप लोगों की बोलता हूँ ये आपके साथ कभी भी हो सकता है, तो उसके कारण हमेशा अच्छे से केयरफुल होकर रहना, और हो सके तो लेफ्ट वाले हैंड पे बात बात करने की कोशिश करना। ये बस पकड़ना पड़ेगा मेरे को स्टेशन तक। आते समय किसी को नहीं दिखा है क्योंकि है ही था ही नहीं रूम पे, सब अपने काम पे चले गए थे। आज ये जो मेरे साथ हुआ ना, इससे मैं बहुत सीखा हूँ, बहुत कुछ क्या ही बोला जाए अभी। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे अनसेफ स्टेट यही आसाम ही है, और सबसे सेफेस्ट स्टेट है मिजोरम। अभी मैं पल्टन बाजार आके पहुँचा हूँ, स्टेशन इधर से होगा कम से कम और आधा किलोमीटर ऐसा कुछ पैदल जाना पड़ेगा, 200 मीटर ऐसा कुछ पैदल जाना पड़ेगा। और जो ट्रेन है वो 3 बजे को है, अभी बजा है आपका 2 o'clock। तो एक्चुअली ना ये पीछे वाला गेट है, एक्चुअली मेन गेट जो है ना वो आगे है, लेकिन वो दूर होगा इधर से, तो इसके कारण पीछे से ही अंदर जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो हो गया, मैं इधर से ही निकाल लिया हूँ, तो इधर से आपका आसानी होगा ना, तो फिर अंदर जाके मैं टिकट कराऊँगा। तो इधर से जनरल टिकट काट लिया है, तो ये वाला है, तो 565 ऐसा कुछ लिया है ये वाला। बाकी ऐसा कुछ स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हुआ है, तो चलते हैं। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को शाम को पहुँचूँगा मैं, और मोबाइल से है और मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ ना, तो ट्रेन का जर्नी का वीडियो अच्छे से बना पाऊँगा नहीं पाऊँगा वो मैं गारंटी से नहीं बोल सकता। ताकि अभी चलते हैं,
और ये वाला वीडियो भी लेट से आएगा, शायद दो दिन के ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एडिट उडिट ट्रेन पे तो नहीं कर पाएंगे, तब तक तो वीडियो चलते ही रहेगा। चेन्नई पहुंचने में दो दिन लगेगा, ढाई तीन दिन लगेगा। चलते हैं एस्केवेटर पे। तो ये वाला हो गया मेरा ट्रेन, इसमें ही जाना पड़ेगा। जनरल कोच अभी ढूंढना पड़ेगा, और जनरल कोच हमेशा ना आगे या पीछे रहता है, तो इस तरफ होगा आगे। ये वाला हो गया सेकंड क्लास, लेकिन ये बहुत भीड़ है, बाप रे बाप। तो ये तो मैं अभी हूँ गुवाहाटी पे, तो इधर से चेन्नई जाएंगे। चेन्नई एगमोर करके एक स्टेशन है, एगमोर या कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन होगा पता नहीं, लेकिन इधर से एगमोर आपका टिकट लिया है 565, और जो है डिस्टेंस है आपका 2700 किलोमीटर इधर से डिस्टेंस है। इस वाले पे जाना पड़ेगा पूरा। तो पहली बार होगा मैं साउथ में ट्रेन से जा रहा हूँ, ऐसा तो साउथ में गया ही नहीं, तो साउथ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या सीन रहता है पता चलेगा। और ट्रेन का जर्नी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप लोग देखते जाना वीडियो को लास्ट तक, कैसा सीन रहता है पता नहीं। बाकी अभी टाइम हो गया 2:40 ऐसा कुछ है, 3:05 ऐसा नहीं, इधर से डिस्पैच हो जाएगा, डिस्पैच हाँ इधर से निकल जाएगा। इधर से ट्रेन करंट से चलता है ये गुवाहाटी से, लेकिन तो ऐसा कुछ इधर का आपका वॉशरूम होता है, सही है, साफ ही है। क्या क्या नहीं हुआ ना आज मेरे साथ। तो फाइनली दिव्यांग वाले डब्बे पे जर्नी स्टार्ट हो गया है, तो चेन्नई देखते हैं। दो तीन दिन, ढाई दिन ऐसा कुछ लगेगा पहुंचने में, बाकी है भाई साहब। हेलो हेलो एक बार हेलो बोल रही भाई साहब यूपी से है, बाकी अभी झारखंड जा रहे हैं मेरे साथ में, मेरे साथ क्या बात बात करते जाएंगे। बाकी ये लोग हैं मेघालय से, हेलो जी हेलो। तो सही है, पूरा चेन्नई तक बातें करते जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना सोलो ट्रैवलिंग, तो सोलो कभी नहीं होते हैं, मिल ही जाता है बात बात करने के लिए, साथ मिल ही जाता है। कभी चलते हैं दिखाते हैं थोड़ा बहुत ऐसे करके। तो ये हो गया आपका सरायघाट ब्रिज, सरायघाट कितना रिक से मैं दिखाया हूँ, देखो ना फोन को ऐसे पकड़ के कितना बाहर लेके गया हूँ। बाकी वो वाला है गाड़ी चलने वाला, इसके ऊपर भी गाड़ी चल रहा है और नीचे आपका ट्रेन जा रहा है। तो ये है ब्रह्मपुत्र, भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी ब्रह्मपुत्र, नीचे नीचे। टाइम हो गया 5:00, मीन्स अभी जो स्टेशन है ना, दो स्टेशन के बाद आपका आसाम क्रॉस हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, ट्रेन की जिस स्टेशन में रुकने का नहीं, उसी स्टेशन पे रोक के भी रुक गया है मिस ट्रेन। क्या हिंदी बोल रहा हूँ भाई, 5 बज गए। बाकी ये इंजन के पीछे हमारा बोगी है, ये जो बोगी है मैं सोचा था कि हम जिसमें हैं वही मीन्स आपका दिव्यांग क्लास का, जैसे ये वाला है ना डिसेबल पर्सन के लिए, तो ये वाला होगा सोचा था, लेकिन ऐसा है नहीं, ये वाला भी जनरल ही है, हम जनरल पर ही बैठे हैं। क्या ट्रेवलर बनेंगे मुझे, जनरल क्लास ही पहचान नहीं पाया। बाकी रात होने को इधर पे जल्दी जैसे रात हो जाता है 5:30 ऐसा में तो पूरा अंधेरा हो जाता है। बाकी स्टेशन है तिहू स्टेशन, बाकी जो ट्रेन का ऐसे जैसे ऐप में जो नाम है ना ट्रेन का, उसका नाम है नौगांव एक्सप्रेस। सो वो वाला स्टेशन का नाम है तिहू। सो अभी टाइम है 5:30, पूरा अंधेरा हो गया है। बाकी हमारा जो मीन्स जैसे मैनेज किया है ना, तो इधर मेरा बैग है ना इधर पे बिछा दिया है, तो बाकी तो अभी भैया लोग बैठ रहे हैं। नया से दोस्त बनाया है उन लोगों को, बाकी ऐसा छोटा सा मीन्स डिब्बा है, तो ऐसा करके इधर पे ख़त्म, पूरा एकदम छोटा है, एकदम इंजन के मीन्स पीछे ही है ये वाला डिब्बा।